सूरज कब दूर किरण से ये बंधन तो प्यार का बंधन है। दोस्तों ये सॉन्ग सुनकर आपको कुछ याद आ गया होगा। 1995 में ये मूवी आई थी। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर। देखा जाए तो आप सबको तो पता है कि भाई करण अर्जुन दोबारा से 2024 के अंदर, यानी कि एक हफ्ते पहले दोस्तों री रिलीज़ कर दी गई है। इस मूवी का जो कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, अब तक ये मूवी कहाँ पर पहुँची है और इस मूवी का बजट कितना था, इस मूवी ने पहले कितना कलेक्शन करा था, और ये मूवी दोस्तों इसके स्टार कास्ट की बात करेंगे, और दोस्तों उस ज़माने में इस मूवी को किसने डायरेक्ट करा था, इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी पहले दिन की उस ज़माने में एडवांस बुकिंग कितनी हुई थी, इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ज़माने में 1995 में कितने लोग इस मूवी को देखने गए थे अपने पैरों के साथ, यानी कि फुट पैठ कितने मिले थे इसे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप शाहरुख और सलमान खान के क्रेज़ी फैंस हैं। तो जैसे कि आप सबको तो पता है कि दोस्तों करण अर्जुन 1995 में रिलीज़ हुई थी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेंड थी। दोस्तों उस वक्त ये मूवी ज़्यादा खास नहीं चली थी, लेकिन भाई 2 या 3 दिन बाद जो इस मूवी का लोगों पर जो क्रेज़ चला था दोस्तों, वो भाई साहब ये मूवी थिएटर तक पहुंच गई, और थिएटर तक पहुंचने के बाद जो तहलका मचाया इस मूवी ने दोस्तों, भाई हर कोई शाहरुख और सलमान खान का फ़ैन हो गया था। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। थिएटर से उतरते ही इसी मूवी टीवी पर आ गई। पहले भाई डब्बे वाले टीवी चला करते थे। मैंने भी दोस्तों बहुत बार देखी है करण अर्जुन, उस वक्त की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। बाकी इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं राकेश रोशन। बाकी दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, ममता कुलकर्णी, काजोल, दोस्तों अमरीश पुरी, जो कि भाई साहब इस वीडियो के अंदर सब के सब लीड रोल के अंदर, इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं। उस वक्त की इस मूवी में पैसे लगाने वाले फिल्म क्राफ्ट ने दोस्तों इसके अंदर कोई कंपनी है, यानी कि दोस्तों इसके इस मूवी के अंदर दोस्तों पैसा लगाया था, यानी कि भाई प्रोड्यूस करा था। बाकी दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं डिजिटल इंटरटेनमेंट, एरोस इंटरटेनमेंट, पेंड मुरुदर इंटरटेनमेंट। दोस्तों इस मूवी को दोस्तों भाई यहाँ पर दोस्तों री रिलीज डिस्ट्रीब्यूट करा, यानी कि भाई जो पहले डिस्ट्रीब्यूट करा था वो एरोस इंटरटेनमेंट ने करा था। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। ये मूवी 13 जनवरी 1995 में रिलीज़ हुई थी, यानी कि दोस्तों जो रिलीज़ हुई है दोबारा से जो रिलीज़ हुई है वो 22 नवंबर 2024 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का जो रन टाइम है 145 मिनट का मूवी का रन टाइम है, और इस मूवी का जो बजट था 6 करोड़ था। बाकी इस मूवी ने जो लाइफ टाइम कलेक्शन करा था 43 करोड़ रुपये। उस ज़माने के हिसाब से दोस्तों ये मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई थी। अब बात करते हैं भाई इसको जो री रिलीज़ जो कलेक्शन मिला है वो क्या मिला है, यानी कि दोस्तों 22 नवंबर को इस मूवी को रिलीज़ हुई थी, इसका जो डे वन का जो कलेक्शन था भाई साहब 25 लाख रुपये, डे टू का कलेक्शन 35 लाख रुपए, डे तीन का कलेक्शन 45 लाख रुपए, डे चार का कलेक्शन 1 लाख रुपए दोस्तों, डे फाइव का कलेक्शन 5 लाख रुपए, और डे सिक्स का कलेक्शन 5 लाख रुपए, और इसका जो टोटल डे सिक्स का जो कलेक्शन हो चुका है दोस्तों 1 करोड़ 25 लाख रुपए रिलीज से अब तक ये कमा चुकी है। इससे पहले कई सारी मूवी रिलीज हुई हैं दोस्तों। थम बड इस तरह की दोस्तों मूवी जिसने 30 करोड़ रुपए कमाए थे, रॉक स्टार मूवी थी जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे, लैला मजनू मूवी थी जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए थे री रिलीज से, रहना है तेरे दिल में जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए थे, कल हो ना हो जो कि शाहरुख खान की मूवी जिसने 2 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए थे, यानी कि भाई अभी भी मूवी लगी हुई है, मतलब हाल ही में दोस्तों रिलीज़ हुई है। अजब प्रेम की गजब कहानी ने 6 लाख रुपए कमाए थे, और करण अर्जुन अब तक 6 दिन में 1 करोड़ रुपए कमा चुकी है दोस्तों। यानी कि भाई क्या ये मूवी इन सब का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, और कहाँ तक जाकर रुकेगी दोस्तों री रिलीज़ के मुकाबले में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप करण अर्जुन को आपने जाकर देखी जो री रिलीज़ हुई है, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं करण अर्जुन के दोस्तों बारे में, आपने कहीं पे भी मूवी देखी थिएटर में देखी और दोस्तों या फिर भाई सिनेमा घर में देखी, कहाँ पर देखी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।